हुकूमत कह रही है कि स्कूल खोलो, खोलने के लिए एसओपीज हम बनाएंगे, और हुकूमत के कुछ लोग कह रहे हैं कि स्कूल्स नहीं खोलने चाहिए, और जो स्कूल्स की इंतजामिया है वो कह रही है कि स्कूल फौरन खोले जाने चाहिए। ये इतना ज्यादा एक रिफ्ट बन गया है कि वो अब खुलकर सामने आ रहा है और लोगों को बड़ा एतराज हो रहा है कि हुकूमत कर क्या रही है। बता देंगे कि अब क्या तय हुआ है, स्कूल कब खुलेंगे और किन एसओपीज के तहत खुलेंगे? देखिए, मैं आपको ये बताऊं, कोई रिफ्ट नहीं है। ये सिर्फ फेक न्यूज है जो कि टीवी पे चलती रहती है और सोशल मीडिया पे। बिल्कुल भी कोई रिफ्ट नहीं है, स्कूल बिल्कुल नहीं खुल रहे, कोई डेट अभी तक उसका तयन नहीं हुआ है। एसओपी सिर्फ इसलिए फेडरल ने मांगे जो कि हम सूबे वाले खुद भी अपने तैयार कर रहे हैं। देखिए, पंजाब में जब भी स्कूल खोलने हैं हमने, जिसकी कोई डेट अभी डिसाइड नहीं हुई, और जब भी खोलने होंगे उसकी तैयारी हम अभी से कर रहे हैं। वो अगर हमने जुलाई में खोलने, अगस्त में खोलने, सितंबर में खोलने, जब भी खोलने, उसकी हमने तरीकाकार तो अभी से तैयार करना है, बजाय कि पिछली हुकूमतों की तरह हम आखिरी लास्ट मिनट पर बैठ जाएं और कहें जी हाँ जी अब क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। देखिए, इसको भी हमें डिफरेंट फेजेस में खोलना पड़ेगा। जब भी हम खोलेंगे ना, इनको फेजेस में खोलना पड़ेगा। कभी भी आप पहले दिन सबको नहीं बुला सकेंगे। ठीक है, जब भी खोले, चाहे सितंबर में खोले, अक्टूबर में खोले, जब भी खोले। डॉक्टर साहब, एसओपीज पे भी आते हैं, लेकिन एक चीज जो लोग भी बड़ा एतराज जिस पे कर रहे हैं, अब गालिबन पिछले 2 या 2.5 या 3 महीनों से स्कूल्स बंद हैं, या चले अब मैं उसको ज्यादा कंजर्वेटिव अगर करूं तो 2 महीने से स्कूल्स बंद हैं पाकिस्तान में पूरे में। अब जून, जुलाई और अगस्त में तो वैसे ही स्कूल्स गर्मी की वजह से बंद रहते हैं। अब अगर हम इन महीनों में स्कूल्स खोल देंगे, या आने वाले मतलब जुलाई में खोल देंगे या अगस्त में ऐलान कर देंगे, तो वो तो इतनी शदीद गर्मी है कि अगर बच्चे बेचारे कोरोना से बच जाएंगे तो वो गर्मी से उनको कुछ हो जाएगा। तो इन महीनों में तो हमेशा ही स्कूल्स बंद रहते हैं, तो ये डिस्कशन आप लोगों ने शुरू दी तो एक बेचैनी और इस्तराब की कैफियत पैदा कर दी है प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के दौरान आपने। देखिए, मैं आपको शिफा, मैं आपको यह बता दूं कि 15 अगस्त से पहले वैसे ही स्कूल कोई नहीं खुल रहा, ठीक है जी। 15 अगस्त हमारा होता है हर साल, जो ईयरली हमारा 15 अगस्त को स्कूल खुलते हैं गर्मियों की छुट्टियों के बाद। इस वक्त गर्मियों की छुट्टियां, सब बिल्कुल रिलैक्स करें, कोई स्कूल नहीं खुल रहा। स्पेशली आपने कंडीशंस देखी हैं जो पंजाब के अंदर हैं, जो लाहौर के अंदर हैं, जो बाकी जगहों में पंजाब के अंदर है, कोरोना में आपके वो प्रेस करी जा रहे हो। सो आई मीन उस वक्त पता तो नहीं लगता कि सर्वे के अंदर कौन है। सो इसलिए ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि 45% पेरेंट्स कहेंगे, आप लाके 10 पेरेंट्स खड़े कर दें, उनमें से अगर 4.5 पेरेंट्स कह देना कि जी मैं हम अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं, तो परेशान कुन बात होगी। ये हो नहीं सकता जो हालात है। सपोज अगर मिसाल के तौर पर अब एक एक डेटा दिया शफकत साहब ने, एक आप कहते हैं कि मेरे पास आता रहता है जो इन्फॉर्मेशन है, एक डेटा हमने आपके सामने रखा है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग खुद कोई ऑफिशियली कोई डेटा कंपाइल करें और उसके रिजल्ट की बुनियाद पर फैसला करें? देखिए, फैसले की जरूरत नहीं, गर्मियों की छुट्टियां इस वक्त, गर्मियों की छुट्टी है, और ये गर्मियों की छुट्टियों के 15 अगस्त को खत्म होती है। आपको उससे 2 हफ्ते पहले इंशाल्लाह ताला बाय 1 अगस्त बता देंगे कि स्कूल खुलने हैं, कब खुलने हैं, क्या सब चीजें, 1 अगस्त तक पता लग जाएगा। अभी तो गर्मियों की छुट्टियां, सो एवरीबॉडी इज ऑफ राइट नाउ एनीवे। राज साहब, फिर यानी कि जब आप पंजाब की बात करते हैं, जाहिर है आप कोऑर्डिनेशन में है फेडरल गवर्नमेंट के भी साथ, तो फिर शफकत महमूद साहब का भी प्लान यही है कि अगस्त ही में यहां पे भी स्कूल्स वगैरह खुलने हैं, उससे पहले का कोई प्लान नहीं है उनका? देखिए, मेरे ख्याल से उससे पहले तो हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते खोलना। आपको जो कोविड-19 के इस वक्त रिजल्ट्स आ रहे हैं और जिस तरह स्पाइक कर रहा है, आपको भी पता है नंबर्स, मुझे भी पता है ऑन डेली बेसिस, ऑन वीकली बेसिस, आई डोंट थिंक वी कैन अफोर्ड टू ओपन स्कूल्स एट दिस पॉइंट एट ऑल। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुराद राज साहब हमारे साथ मौजूद।